अनुष्का सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77th स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से 90 मिनट का भाषण दिया। इस दौरान पीएम ने देश के हर वर्ग से जुड़े मुद्दे और उनके समाधानों का जिक्र किया, साथ ही अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई, जिसे लेकर अब उनकी सरकार के मंत्रियों और पार्टी नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि पीएम मोदी का भाषण एक विकसित देश के रोडमैप को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का जिक्र करते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी का आज का भाषण 2047 के एक विकसित देश के रोडमैप को दर्शाता है। उनका भाषण देश के भ्रष्टाचार और वंशवाद से मुक्त करने की घोषणा थी। पूरा देश उनका परिवार है। उन्होंने सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन का संदेश दिया है। जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के भाषण को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से हर वर्ग का जिक्र किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर कहा कि उनका लक्ष्य देश में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। उन्होंने बताया कि किस तरह भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और परिवारवाद देश में गरीब, पिछड़े, आदिवासियों और दलितों का हक छीनती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी पीएम मोदी के भाषण की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वह लोगों के मूड और विश्वास को देखकर कहा है। भले ही उन्होंने ऐसा नहीं भी कहा हो, लेकिन ये तय है कि हम सत्ता में लौटेंगे। मोदी सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम के भाषण पर कहा, 2014 से पहले भी कांग्रेस के पास यही स्थिति थी, लेकिन हम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। उन्होंने 2019 से पहले भी यही कहा था, लेकिन पीएम मोदी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ आए। जिन्हें कांग्रेस राक्षस कहती है, इस लोकतंत्र की जनता जिन्हें हम भगवान की तरह मानते हैं, उन्होंने एक गरीब परिवार के बेटे को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया। जनता एक बार फिर घमंडिया गठबंधन का अहंकार तोड़ेगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने आज के भाषण के जरिए विकसित देश का रोडमैप बताया है। उनका भाषण देश के लोगों के लिए आशा और आशंकाओं से भरा था। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।